उसने लिखा कि मैं सन 94 से जो गांधीवादी हूँ और मैंने हिंसा जो है 1994 में छोड़ दी थी। हाफिज सईद के पास इस्लामाबाद में जाके साथ बैठा था उसके साथ, तो वो क्या गांधीवाद उसको सिखाने गया था या उससे गांधीवाद सीखने गया था? तो 100 करोड़ पाकिस्तानी उसको गाली देते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कैसा था। मैं 90% मान के चल रहा हूँ कि सरकार वहां बनेगी इन्हीं लोगों की, और जो पहला अपना मांग पत्र भेजेंगे उसमें यासीन मलिक की रिहाई, उनकी बहुत प्रमुखता के साथ उनकी मांग होगी। सर, जम्मू कश्मीर का एक खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक, कश्मीर में चुनाव परिणाम हो रहा है और यासीन मलिक जेल में, तिहाड़ जेल में सर रहा है, कम से कम इतना तो ये क्रेडिट तो कम से कम नरेंद्र मोदी को जाती है कि जिसका आतंक था 90 के दशक में, जो खुलेआम एयरफोर्स ऑफिसर्स को सड़े राह मारा, हत्या की, जिसने माइक से कहा कि हिंदू बहू भी अपनी लड़कियों को, महिलाओं को छोड़ करके घाटी से बाहर चले जाओ, अब वो कह रहा है कि हम गांधीवादी हो गए 30 साल से तो हमें माफ कर दो। दरअसल उसने माफी तो सर लोअर कोर्ट में भी मांग ली और इसीलिए ट्रायल उसका आगे नहीं हुआ और उसे उम्र कैद दे दी गई। यदि वो जैसे ठंड जब आरोप तय होना होता है तो उसको प्लीड गिल्टी करा जाता है कि तुम क्या अपनी गलती मानते हो, तो 99.9% लोग गलती नहीं मानते हैं, फिर ट्रायल चलता है। यासीन मलिक ने अपनी गलती मान ली तो उसे फांसी नहीं हुई, उम्र कैद मिला। NIA तो इसके लिए चला गया हाईकोर्ट कि इसे कम से कम फांसी होनी चाहिए। इसी मामले में इंजीनियर रसीद का अंडरकोर्ट ट्रायल चल रहा है, दोनों का सेम मामला है लेकिन उसने प्लीड गिल्टी नहीं की तो उसके मामले की ट्रायल चल रही है, वो फांसी होती है, उम्र कैद होती है, अदालत तय करेगा। लेकिन यासीन मलिक तो कह रहा है कि मैं गांधीवादी हूं, मैंने 30 साल पहले हथियार डाल दिए हैं, मुझे छोड़ दिया गया। मैं मनीष जी उससे केवल एक ही चीज पूछ ले, अभी उसकी जो अपील है उसके ऊपर जरा उसको बुला के अदालत में बात पूछे। उसने लिखा कि मैं सन 94 से जो गांधीवादी हूँ और मैंने हिंसा जो है 1994 में छोड़ दी थी, तो फरवरी 2013 में वो क्या जो हाफिज सईद के पास इस्लामाबाद में जाके साथ बैठा था उसके साथ, तो वो क्या गांधीवाद उसको सिखाने गया था या उससे गांधीवाद सीखने गया था? क्योंकि हाफिज सईद जो है वो तो कतई गांधीवादी नहीं है, उसका तो गांधीवाद से कोई लेना देना नहीं, पूरा पाकिस्तान गांधी को गाली देता है, जिन्ना और जिन्ना के समय से गाली देता है, यानी अगर आप पूरे तब से गिनती कर लीजिए तो कम से कम 100 करोड़ पाकिस्तानी उसको गाली देता, उसकी जनसंख्या आज 24 करोड़ है लेकिन 70 साल में मरते गए, पैदा होते गए, तो 100 करोड़ पाकिस्तानी उसको गाली देते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कैसा था, और उस गांधी के दुहाई देकर ये अपनी सजा माफ करा रहा है। तो मनीष जी असल में ये सजा नहीं माफ करा रहा, ये गांधीवाद की कोई दुहाई भी नहीं दे रहा, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत है और इसमें संभवतः मुंह की खानी पड़ेगी हम लोगों को। अब बताता हूँ आपको असलियत। हाँ जरा ये तो जरा फोटो दिखा, चर्चा कर रहे हैं कि ये गांधीवादी हाँ। किसके साथ बैठा है, ये सर 30-35 साल पुरानी तस्वीर तो नहीं है ये? नहीं 2013 फरवरी 2013 की तस्वीर है ये, और कांग्रेस का यहाँ शासन था और कांग्रेस ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, इसका ना यानी कि इसका पासपोर्ट तक जब्त नहीं किया। मनमोहन सिंह इसके साथ कैसे फोटो खिंचाता था, अपने कार्यालय में बुला के सब जानते हैं, और वही वही जो पिछला इतिहास है 12-13 साल पुराना, उसी इतिहास के भरोसे अब इसने नई एप्लीकेशन लगाई है कि मैं गांधीवादी हूँ, इस पर एक तरह से इसने रिहाई की मांग की है। तो उसका वजह है मनीष जी, उसका वजह भी आज जो ये चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इसके नतीजों से इसको बड़ी उम्मीद है कि ये जो अभी वहां पे कांग्रेस की सरकार फिर बन जाएगी और वो फारूक अब्दुल्ला के साथ, और ये दोबारा फिर छूट जाएगा क्योंकि वो लोग अब नंगनाच शुरू करेंगे वहां पे, तो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे वो कांग्रेस, ये तो चिल्ला चिल्ला के जब कह रहे हैं कि 370 हटा देंगे और पत्थरबाजों को छुड़वा देंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला जरा अब ये परिणाम आ जाए उसके बाद सरकार गिनती किसकी बनती देख लीजिए। उसके बाद जो उनका पहला खर्रा आएगा उसमें यासीन मलिक की रिहाई भी एक उनकी मांग में शामिल होगा, जिस तरह से वो घोषित तौर पर जिसको फांसी दे दी गई उस अफजल गुरु के लिए वो आज भी खोपड़ी पटकते हैं अपनी, ये उसी तरह इस यासीन मलिक के लिए भी खोपड़ी अपनी पटकेंगे, और उसी को देखते हुए इसने अपना हलफनामा दिया कि मैं तो गांधीवादी हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इसे उम्मीद दिख रही है कि फिर सोनिया का जो एजेंडाबाज है और कांग्रेस जो है इस यासीन मलिक को स्थापित करेगी जम्मू कश्मीर की घाटी। हाँ, कांग्रेस इसकी रिहाई की मांग करेगी, जरा सरकार बन जाने दीजिए वहां पे, और मेरी बात अगर गलत हो जाए तो आज का वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, अगर वहां सरकार अगर क्या
मैं 90% मान के चल रहा हूँ सरकार वहां बनेगी इन्हीं लोगों की, और जो पहला अपना मांग पत्र भेजेंगे उसमें यासीन मलिक की रिहाई, उनकी बहुत प्रमुखता के साथ उनकी मांग होगी, और तब देखेगा जो सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास सबका जो करने वाले हैं ये क्या स्टैंड लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने कुछ लिया नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आपकी, मतलब ये जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए इसने ये अर्जी लगाई है, और हाँ, इस अर्जी के पीछे कोई सिब्बल सिंह भी या प्रशांत भूषण खड़ा होगा, और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट वहां वहां कोई बहुत महान जज बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बड़ा महान जज बैठेगा जो इसको गांधीवादी मान लेगा, उसके बाद फिर हमारे सरकार के हम क्या करें, तो हो ही गया। तो ये इस तरह की जो नौटंकी 10 साल से चल रही है उसी नौटंकी का ये छोटा सा परिणाम आया है, हरियाणा का रिजल्ट और वो वहां जम्मू कश्मीर का रिजल्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब देखिए इसकी अर्जी पर होता क्या है, ये गजब का देश है, ऐसे खूंखार आतंकवादियों की अर्जी पर भी सुनवाई होती है, लंबी जिरह होगी इस देश के सुप्रीम कोर्ट की, एक एक सेकंड की जो अहमियत है उसको रोना। मैं मनीष जी दर्शकों को एक बार याद दिला दूं, ये जरा ये आदमी यासीन मलिक जो है ये हमारे 4 वायु सैनिक जो हैं उनकी भरे 4 पे हत्या करने का दोषी है ये, कोई चोरी छुपे या अंदाजा गुद्दा नहीं, इसने 4 हमारे जो एयरफोर्स के जवान जो थे जो भारत माता की रक्षा में तैनात थे उनकी इसने श्रीनगर में 4 पे हत्या की थी, वो आपने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी हुई उसमें भी दिखाया है। तो ये दिन दहाड़े हत्या करने वाला व्यक्ति था, और इस आदमी को, और दूसरे आपको ये भी बता दूं कि ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद वो तो मर गया, ये जो महबूबा मुफ्ती है इसकी बहन जो रूबिया सईद थी उसका अपहरण करके 5 आतंकवादियों को छुड़वाने का दोषी यही यासीन मलिक का यही आतंकवादी यासीन मलिक था जो आज गांधीवाद की दुहाई देकर अपनी रिहाई की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, क्योंकि इसको पूरी उम्मीद है कि वहां अब्दुल्ला और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो मेरी रिहाई वो लोग कराएंगे, जैसे वो अब जो अफजल गुरु के लिए अभी तक मर रहे हैं तो इसके लिए भी वो मरेंगे, और उस समय देश की सरकार क्या करेगी, और देश की सरकार उस समय, मैं मनीष जी फिर बता रहा हूँ, देश की सरकार यही कहेगी कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हम क्या करें, और सुप्रीम कोर्ट में महान लोग बैठे ही हैं। तो अब बड़े जो अभी आप बात कर रहे थे कि वहां के अगर वहां पर सरकार इनकी बनी तो बहुत बड़ा सत्यानाश होगा, और कैसा उधम काटेंगे ये, अब वो हम लोग को झेलना क्या करिएगा उसमें। चलिए इंतजार करते हैं इस चीज का कि इस देश में क्या कुछ होता है, और जम्मू कश्मीर का परिणाम बहुत कुछ संदेश देने वाला है।